हेलो फ्रेंड, दिस इज शुभम मैडम बैक टू न्यू वीडियो। और गाइस, इस वीडियो में आपको बताऊंगा सीएसएस फ्रेमवर्क्स क्या है। तो गाइस, इसमें लिखा हुआ है सीएसएस फ्रेमवर्क्स आर टूल्स यूज्ड बाय यूआई डेवलपर। सब यूआई का मतलब है यूजर इंटरफेस, ठीक है। तो यूजर इंटरफेस यानी कि जो आपकी वेबसाइट की यूजर इंटरफेस डिजाइन करते हैं, उन डेवलपर्स की बात हो रही है। टू मेक देयर जॉब इजियर, तो उनकी जॉब जो है काफी काफी ईजी बना देते हैं सीएसएस फ्रेमवर्क्स। और गाइस, ये आपकी भी जॉब बहुत ईजी बना देंगे अगर आप वेबसाइट डेवलप करते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा कितनी ईजिली जो है आप इसके थ्रू जो है काफी ऑसम तरीके से रिस्पॉन्सिव जो है वेबसाइट आप जो है क्रिएट कर पाओगे। यूजुअली तो मैं मानता हूं कि सीएसएस फ्रेमवर्क का जो मेन यूज है वो रिस्पॉन्सिव वेबसाइट डिजाइन करने का है। अब रिस्पॉन्सिव वेबसाइट से मतलब ये है कि अगर आप पीसी के लिए वेबसाइट डिजाइन करोगे तो फिर वो मोबाइल के लिए ऑटोमेटिक जो है साइज जो है एडजस्ट कर ले। तो ये सीएस फ्रेमवर्क जो है इसके लिए अच्छी तरह काम आता है। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आपको एक साइट के बारे में बताना चाहता हूँ जिसका नाम है डोमेन रेसर। और गाइज, अगर आप एक अच्छी वेब होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो आपको डेफिनेटली ट्राई कीजिए। यहाँ पे आपको काफी टाइप की होस्टिंग मिलती है, जैसे वेब होस्टिंग, रीसेलर होस्टिंग, वीपीएस होस्टिंग। अगर गाइज मैं आपको रीसेलर होस्टिंग की बात करूँ तो यहाँ पे उसमें भी आपको अनलिमिटेड लिनक्स cPanel रीसेलर और WHMCS रीसेलर, ये सब जो है ऑप्शंस आपको देखने को मिलते हैं। और गाइज, अगर रीसेलिंग होस्टिंग की भी प्राइस की हम बात करें तो वो भी गाइज इस पे जो है चीपेस्ट प्राइस में जो है आपको रीसेल होस्टिंग मिल जाएगी। और गाइज देखिए, सिर्फ 250 रुपीज पर मंथ में आपको मिनी प्लान मिलता है जिसमें आपको 12 cPanel अकाउंट मिलते हैं। यानी कि 250 रुपीज में आप जो है यहाँ पे होस्टिंग खरीद के उसको 12 लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं cPanel में, और आप उसका जो है काफी अच्छा खासा चार्ज ले सकते हैं। तो अगर आपको ऐसे अर्निंग करनी है तो गाइज आप ऐसे अर्निंग करनी है, क्योंकि काफी कम प्राइस में जो है आपको जो है इतना ज्यादा जो है फीचर्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब कुछ जो है आपको इसके लिए ज्यादा पे भी नहीं करना पड़ेगा, और ये सब कुछ जो है गाइज आपको मिल जाएगा डोमेन रेसर पे। तो गाइज, डोमेन रेसर जो है जरूर आप ट्राई कीजिए। अगर आप एक अच्छी रीसेल सेलर होस्टिंग ढूंढ रहे हैं तो इस साइज को जो है आप डेफिनेटली जो है ट्राई कीजिए। और रेदर देन री इन्वेंटिंग द व्हील ईच टाइम ए न्यू प्रोजेक्ट कम कम सब, ठीक है। तो जब आप री इन्वेंटिंग करते हैं व्हील ईच टाइम गाइज, तो न्यू प्रोजेक्ट जो है आ जाता है। फ्रेमवर्क गिव डेवलपर द टूल्स टू क्विकली स्पिन अप यूजर इंटरफेस दैट कैन बी ट्विक एंड इटरेटेड ऑन थ्रू आउट ए प्रोजेक्ट इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग टाइम स्टार्टिंग फ्रॉम ए ब्लैंक डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो गाइज, इसमें जो है काफी सारे टूल्स अवेलेबल है जिससे आप ट्विक कर सकते हो, ठीक है। एंड गाइज, जो भी सेटिंग में आपको चेंजेस करने हैं ना बेसिक बेसिक, और आपका जॉब गाइज बेसिकली जो है बहुत ईजी बना देगा डेवलपर की। तो गाइज, मैं भी आपको डेफिनेटली इनके बारे में बताऊंगा और यूज करना बताऊंगा। तो गाइज, कुछ पॉपुलर सीएसएस फ्रेमवर्क है जो आप यूज कर सकते हैं, कि बूटस्ट्रैप, फिर टेलवाइन सीएसएस, फिर फाउंडेशन, बुलमा, यू एलकिड, सू सीप्यू, स्केल्टन, मिलीग्राम, प्राइमर और मेटरलाइज, ठीक है। मेटरलाइज, ठीक है, थोड़ा क्या मेरा बोलने का प्रॉब्लम है, सो उसको जो इग्नोर करना आप, ठीक है। तो गाइज, ये कुछ 11 टूल्स है, ठीक है, इनके थ्रू जो है आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो है आपको यूज करना है, ठीक है। एंड गाइज, मैं आपको टेलवाइन सीएसएस के थ्रू बताऊंगा कैसे जो है आपको वेबसाइट बनानी है आने वाली वीडियोज के अंदर, ठीक है। तो जब तक के लिए गाइज आप जो है इसको आप ट्राई कीजिए, बूटस्ट्रैप को ट्राई कीजिए, टेलवाइन सीएसएस को ट्राई, बूटस्ट्रैप को ट्राई कर सकते हो, फाउंडेशन को, बुलमा, यूआई किट, सीपीयू, स्केलेटन। गाइस, हम बूटस्ट्रैप पे भी आएंगे, क्योंकि गाइस बूटस्ट्रैप जो है गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और यूजुअली जो भी आप वेबसाइट बनाता है तो वो बूटस्ट्रैप को डेफिनेटली मोस्ट पीपल जानते हैं जो भी अच्छे अच्छे डिजाइन बनाते हैं, क्योंकि गाइस इस फ्रेमवर्क में जो है काफी कुछ अवेलेबल है। लेकिन गाइस, क्योंकि हमने अभी सीएसएस का कोर्स कंप्लीट किया है, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि शायद मैं आपको पहले टेलविन सीएसएस के बारे में बता दूं, इसके थ्रू जो कैसे आपको फ्रेमवर्क क्रिएट करना है और कैसे जो है आपको इसके थ्रू जो है वेब पेजेस बनाने हैं। सो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोस। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो यहाँ पे लाइक का बटन है, उस पर जो है आप लाइक कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है तो वहां पे नीचे कमेंट बॉक्स का ऑप्शन है, वहां पे आप कमेंट कर दीजिए, ताकि मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि जो है आपको जहाँ पे भी प्रॉब्लम हो रही है मैं बता दूंगा कि जो है आप इसको कैसे कर सकते हो, और एक्चुअली मैंने किस चीज के बारे में बताया है। उसके अलावा गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है और आप रेगुलरली जो है हमारी वीडियोस की अपडेट चाहते हैं, तो गाइस यहाँ पे सब्सक्राइबर का बटन है, रेड बटन है गाइस, और इसको जो रेड बटन को जो है आपको ग्रे कर देना है सब्सक्राइब करके। तो इसके अलावा गाइस, अगर आपको इंस्टेंटली नोटिफिकेशन चाहिए हमारी वीडियो की, तो जब आप सब्सक्राइबर के बटन पे क्लिक करोगे वहां पे एक बेल आइकन भी आएगा, उस बेल आइकन पे भी जो है आप क्लिक कर दीजिए, तो जब भी हमारे चैनल की वीडियो आएगी आपको इंस्टेंटली जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। Bye bye for now.